नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर बुलंदशहर से हमारे पास आ रही है, जहां की एक दुखद हादसा हुआ है। पहासू क्षेत्र के गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक संविदा कर्मी की मौत हुई है। करौरा गांव में 11,000 की लाइन पर शटडाउन लेकर कार्य कर रहे संविदा कर्मी की मौत का मामला सामने आया है। बिजली घर से अचानक छोड़ा गया है करंट, ट्रांसफार्मर पर करंट लगने से चिपका रह गया संविदा कर्मी रमेश। पहासू थाना क्षेत्र के करौरा गांव का मामला है ये, और यह जानकारी परिवारजनों को तब पता चली तो परिवार में एक साथ कोहराम मच गया। ग्रामीणों में रोष, अभी तक कोई भी बिजली कर्मचारी या पुलिस कर्मी नहीं पहुंचा था मौके पर। काफ़ी देर तक सब ट्रांसफार्मर से ही लटका रहा। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और CO शिकारपुर मनीष कुमार यादव, पहासू थानाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, मैं पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और कई थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। गांव के लोगों को समझा बुझाकर सबको ट्रांसफार्मर से नीचे उतारा गया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। क्या हुआ है यहाँ? ये लड़का सिट डाउन लेके चढ़ा था इसे सही करने के लिए, जम्फर लेने जी। इसके बाद? इसके बाद इसे से उतर नहीं पाया, सिट डाउन जोड़ दिया, सही करा था इसने, जब ही जोड़ दिया उतर नहीं पाया। अब इसकी सूचना आपने किसी को दी? सब जगह फोन पहुंच चुके हैं, प्रधान जी ने खबर कर चुकी सब जगह। क्या कह रहे हैं अब आप लोग? आ रहे यही कह रहे हैं। 3 घंटा और करौरा की लाइन की व्यवस्था इतनी खराब है। एक बाग में मेवाती नगरा का पागल है, वो लाइन बिल्कुल ऐसे है जंगल में, बिल्कुल आदमी नीचे होकर निकलेगा तब भी लाइन पकड़ लेगी उसे। और वो लड़का भी मेवाती का तायू कर चिपक कर रहेगा, मर गया वो लड़का, वहीं खत्म हो गया। लाइन की व्यवस्था बहुत ही खराब है। अब आप क्या चाहते हैं? आपका परिवार बेहद ही गरीब है, बाप पिताजी इसके वो बीमार हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है।